हेलो गाइस, पांडा एक्सप्लेन आज एक्सप्लेन करने जा रहा है बेंटेन क्लासिक सीरीज के बेंटेन थाउजेंड सन कैंटेन गॉट ऑमनिटिक्स एपिसोड को, जिसमें हम देखेंगे बेंटेन थाउजेंड अपने बेटे कैनी को ऑमनिटिक्स देगा और उसका सामना होगा अपने लेवल के विलन केविन 11,000 से, और आखिर में होगा केविन 11,000 के साथ एक भयानक सीन, जिसको देखने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम अपने चहीते बेंटेन थाउजेंड को वल्केनस से लड़ते हुए देखते हैं। बेंटेन थाउजेंड गुस्से में कह रहा था, मैं उसका एक और बर्थडे मिस नहीं कर सकता, और वल्केनस पर एक अंडा फेंक कर उसे उसके अंदर कैद करके एक्सलरेट में बदलकर अपने हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ता है, जहाँ कैनी का बर्थडे मनाया जा रहा था। बेंटेन थाउजेंड कैनी के गले लगकर बोलता है, कहा था ना तुम्हारी पार्टी मिस नहीं करूंगा, आज तुम 10 साल के हो गए हो, और वल्केनस वाले अंडे को ग्रैंडपा को देकर उसे नलवॉइड चैम्बर में फेंकने को कहता है। इधर कैनी अपने सभी जादू वाले दोस्तों सभी को अपने डैड की बहादुरी की कहानियां सुना रहा था और कहता है किसी दिन मैं भी उनके साथ काम करूंगा। और तभी उसके पीछे ग्वेन का होलोग्राम आता है। वो कैनी को बताती है, मैं तुम्हारे बर्थडे में नहीं आ सकती, मैं जोरेस्टर प्लेनेट में फंसी हूँ एक रेड ड्रैगन को ढूंढने के लिए, जिससे कैनी काफी नाराज हो जाता है, पर ग्वेन उसे उसका गिफ्ट दे देती है, एक पत्थर का डॉग, जिसको पाकर कैनी खुश हो जाता है। फिर आता है बर्थडे केक और कैनी कैंडल बुझाता है। फिर ग्रैंडपा कैनी को एक क्यूब देते हैं, जिसको दबाते ही कैनी के हाथ में नया X321 बोर्ड आ जाता है, जिसको देखने के लिए उसके एलियन जादू फ्रेंड्स भाग कर आते हैं। तो बेन बोलता है, कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा, सबको और वो सभी जादू फ्रेंड्स भी कैनी को गिफ्ट देते हैं। फिर अपना बेंटेन थाउजेंड आता है और कहता है, अब बस मेरा गिफ्ट बाकी है, और कैनी को बताता है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें इस हीरो वाले काम में शामिल नहीं करना चाहता। बेंटेन थाउजेंड ऐसे ही बकबक करता जाता है, तो ग्रैंडपा उसे पीछे से इशारा करके बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो अब बेंटेन थाउजेंड लाइन पर आता है और कहता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे अपना ऑमनिटिक्स मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी एक दे दूं, जिससे बेंटेन थाउजेंड कैनी को उसका ऑमनिटिक्स देता है, जिसको पहनकर कैनी बहुत 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 ज्यादा खुश होता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। और फिर से उसके एलियन जादू दोस्त भागकर ऑमनिटिक्स को देखने आते हैं। अरे यार, क्यों इन्हें इतने झटके दे रहे हो, कहीं इन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, इन्हें आराम से केक खिलाओ। खैर छोड़ो, फिर कैनी बोलता है, कौन सा ताकतवर एलियन बनूं? तो बेंटेन थाउजेंड उसे बताता है, मैंने पहले से ही 10 एलियन ऑमनिटिक्स में डाउनलोड कर लिए हैं, कुछ खास हीरोज जैसे एक्सलरेट और स्टिंग फ्लाई, ताकि हालात बिगड़ने पर तुम भाग सको। तो कैनी बोलता है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, बाकी सभी 8 एलियन कमजोर थे। तो कैनी कहता है, आप एक कमजोर एलियन के बदले में मुझे ग्रे मैटर तो दे ही सकते हो। तो बेंटेन थाउजेंड मान जाता है। तभी एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है, बेंटेन थाउजेंड एक्सलरेट में बदलकर बोलता है, मुझे जाना है। तो कैनी भी एक्सलरेट में बदलकर कहता है, हमें जाना है, वाह क्या राइम है, और वो दोनों चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक चिपकू बैंगन वाला मॉन्स्टर सिटी में तबाही मचा रहा है। कैनी और बेन भागकर आ रहे होते हैं, तो वो मॉन्स्टर रास्ते में चिपकू चीज फायर करता है, जिसमें कैनी फंस जाता है, पर बेंटेन थाउजेंड अपने कमाल के मास्टर कंट्रोल की मदद से उस मॉन्स्टर को हराकर उसी अंडे के अंदर कैद कर देता है। लेकिन कैनी ने तो फाइट भी नहीं की थी, जिससे वो दुखी हो जाता है। फिर हम बेंटेन थाउजेंड की अगली फाइट देखते हैं, जो कि सभी जगह टेलीविजनों में दिखाई जा रही थी। इसी फाइट को एक लड़का भी देख रहा था, इस लड़के के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर बेंटेन थाउजेंड उस मॉन्स्टर को आर्टिगुआना की मदद से जमा देता है, पर कैनी फिर से कुछ भी नहीं कर पाया था और मायूस हो जाता है। फिर वो दोनों ग्रैंडपा के पास पहुंचते हैं, जिन्हें बेंटेन थाउजेंड नलवॉइड में डालने के लिए वही अंडा देता है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं, कैसा रहा तुम्हारा दिन? तो कैनी बोलता है, बोरिंग, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये सब बेकार है, कहकर अपना X321 बोर्ड उठाकर बाहर चला जाता है, जहां वही लड़का अपने बोर्ड में आकर कैनी को चैलेंज करके बोलता है, क्या तुम ये कर सकते हो? पर अपना कैनी वाइल्ड वाइन में बदलकर उससे भी अच्छा करता है। फिर वो दोनों बेंटेन थाउजेंड की मूर्ति पर बैठते हैं, जहां वो लड़का अपना नाम डेवलिन बताता है,
और कहता है, मैंने तुम्हें टेलीविजन में तुम्हारे पापा के साथ तुम्हें लड़ते देखा। अच्छा ओमनीटिक्स है, पर तुम्हारे पापा जैसा नहीं है। जिससे कैनी बोलता है, इसमें एक लिमिटर है जिससे इसकी बैटरी तुरंत उतरती है। डेवलिन कहता है, ये फिर भी कूल है। फिर कैनी की वॉच पर डिनर करने का मैसेज आता है, तो कैनी चला जाता है। फिर हम देखते हैं, किसी ने रात में ही बेन 10,000 के हेडक्वार्टर में अटैक कर दिया है। बेन बोलता है, कौन है ये बेवकूफ जो सीधा यही पिटने आ गया। बेन कैनी को बोलता है, चलो हम दोनों इससे साथ में लड़ते हैं। कैनी काफी खुश हो जाता है। फिर दीवार तोड़कर वहां पर आता है केविन, जिसे देखकर बेन कैनी को उठाकर भाग जाता है और फोरआर्म्स में बदलकर कैनी को उसके कमरे में जाने को कहता है। कैनी मना करके बोलता है, पर आपने अभी कहा था हम इससे साथ में लड़ेंगे। तो बेन बताता है, मुझे तब पता नहीं था कि ये केविन होगा, और उसे उसके रूम में भेज देता है। फिर बेन और केविन के बीच फाइट होती है, जिसमें केविन बुरी तरह पीट रहा था। गाइस, आगे कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। केविन बोलता है, गुड बेन जी, हम एक सही जगह पर है, नलवाइट चैम्बर में। तो बेन सरप्राइज कहकर बताता है, एनिमो के हमले के बाद मैंने उसे कहीं छुपा दिया। लेकिन तभी वहां पर ऊपर से ग्रे मैटर बन के कैनी भी आ गया था, जिसका आते ही टाइम आउट हो जाता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। कैनी की वजह से केविन भाग निकलता है। बेन कैनी को बाहर निकालता है, पर कैनी काफी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर कैनी डेवलिन के पास जाता है। वो दोनों ही अपने डैड से नाराज थे। कैनी बोलता है, मेरे डैड को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उन्होंने मुझे बिना बताए नलवाइट चैम्बर हटा दिया। तो डेवलिन बोलता है, तो चैम्बर तो खराब होगा क्योंकि वहां से केविन 11 बाहर जो निकल आया, पर तुम्हारे डैड उसे ठीक कर देंगे। तो कैनी बोलता है, क्यों ना उसे मैं खुद ही ठीक कर लूं। और ठीक करने चले जाते हैं ग्रैंडपा की वैन में। जब ग्रैंडपा वॉक पर जाते हैं तो वो दोनों अंदर घुसकर चैम्बर का स्विच ढूंढने लगते हैं। बेन डिट्टो में बदलकर बंटकर ढूंढता है। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो रास्ता मिल जाता है और वो दोनों नलवाइट चैम्बर के पास पहुंचते हैं, जहां डेवलिन कैनी को धक्का देकर अपना असली रूप दिखाता है। असल में डेवलिन केविन का बेटा है। फिर वो अपने डैड केविन को चैम्बर से आजाद करता है। केविन कैनी को बोलता है, कैसे हो बेन जी। तो डेवलिन बताता है, ये बेन नहीं है, ये उसका बेटा कैनी है, और घर चलने को कहता है। मगर केविन कहता है, बेन से बदला लेने का एक अच्छा तरीका है उसके बेटे को चोट पहुंचाना, और फुर्ती में आकर कैनी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा आकर केविन को सूट करते हैं और इमरजेंसी बटन दबाते हैं, पर केविन उनका मेटल हैंड पकड़ कर दबा देता है। कुछ देर बाद वहां पर बेन 10,000 पहुंचता है, जो कैनी और ग्रैंडपा को बंधा हुआ देखता है। फिर केविन ऊपर से बोलता है, कैसे हो बेन जी, शायद तुम मेरे बेटे डेवलिन से तो मिल चुके हो। और बताता है, नलवाइड में रहकर मैंने वहां से बाकी एलियन से कुछ चालें सीखी है, और अब वो ट्रांसफॉर्म होता है अपने असली भयानक रूप में, और स्वैग में बोलता है, बेन 10,000 अब मिलो केविन 11,000 से, और बेन पर अटैक कर देता है। उसे झटका देकर इधर उधर पटक कर नॉर्मल कर देता है, और बेन को जैसे ही मारने वाला था तो तभी डेविन आकर केविन को ऐसा करने से मना करके बोलता है, आपने साबित कर लिया है कि आप बेस्ट है, तो आप घर चलिए। ये बेचारा तो बस अपने डैड को घर ले जाना चाहता है, पर केविन उसे दूर फेंक देता है, जिससे डेवलिन रोने लगता है। बेन फिर से उठकर उस पर हमला करता है, और इधर ग्रैंडपा अपने हाथ की लेजर से रस्सी को जला देते हैं, और कैनी भी एलियन में बदलता है। फिर बाहर सिटी में उन दोनों की लड़ाई चलती है, जिसमें केविन बेन को सोनिक रे मारकर फिर से नॉर्मल कर देता है। लेकिन कैनी आकर जल्दी जल्दी एक के बाद एक एलियन में बदलकर केविन को पीटता है, जिससे केविन हैरान होकर बोलता है, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल रहे हो। तो कैनी उसे बताता है, मैंने ग्रे मैटर की मदद से ओमनीटिक्स को हैक किया, अब मैं तुरंत ही एलियन में बदल सकता हूँ। तो केविन कैनी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका बेटा डेवलिन आकर उस पर एक ब्लॉक्स दे मारता है, और जाकर कैनी से माफी मांगता है। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने बेन 10,000 का भयानक गुस्सा। देखा आपने अपने बेटे के लिए बेन 10,000 का गॉड मोड कैसे वेबिक से पूरी सिटी ही हिलाकर केविन की हड्डियां तोड़ दी, और कैनी को उठाता है
तो कैनी बोलता है, डैड मैं ठीक हूँ, और बेन को नलवॉइड वाला अंडा देता है। पर केविन फिर से टूटी हड्डी लेकर अंडे को गिरा देता है, लेकिन पीछे से डेवलिन अपने डैड केविन पर अंडा फेंकता है, जिससे केविन अंडे के अंदर समा जाता है, कैद हो जाता है। ग्रैंडपा आकर कहते हैं, इस बार तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह है, और बेन भी कैनी से काफी खुश था। फिर बेन और कैनी को देखकर डेवलिन वहां से जाने लगता है, तो ग्रैंडपा उसे रोकते हैं। डेवलिन कहता है, तुम लोग मुझे नलवॉइड में डालने वाले हो ना? तो ग्रैंडपा और बेन उसे बताते हैं, चाहो तो तुम यहाँ हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर रह सकते हो, जिससे वो दोनों हाईफाई करते हैं, और हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको भी अपने डैड हीरो लगते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुम्हें भी कैनी की तरह एक ओमनीट्रिक्स मिले। मैं मिलूँगा जल्द ही, तो तब तक के लिए बाय।